हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे साउथ अफ्रीका एवं नेपाल का बीच जो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा उनके बारे में। ये जो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार 5 बजे, इंडियन समय अनुसार 5 बजे सुबह, यानी कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। ये कल सुबह जो 5 बजे मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले में प्राइज रखा गया बहुत कम, जो कि 5.5 करोड़ का है। और ये प्राइज भी कम नहीं है। और इस प्राइज में फर्स्ट रैंक करने वाले को कितना मिलेगा, सेकंड रैंक करने वाले को कितना मिलेगा, देखिए बहुत प्राइज अमाउंट रखा है जो फर्स्ट रैंक करेगा और जो सेकंड रैंक करेगा। अब यहाँ पर मैं करेक्ट टीम पर क्लिक करता हूँ। करेक्ट टीम पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं इम्पोर्टेंट जो है विकेट कीपर सेक्शन में बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में हरिकेन्स भाई, हरिकेन्स जो है ये नीचे उतरता है। साउथ अफ्रीका का एकमात्र लौता बैट्समैन है जो किसी भी टीम का अगेंस्ट अच्छे परफॉर्म करता है, साथ ही साथ अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। हरिकेन्स का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं क्वाइन डिक कॉक भाई। क्वाइन डिक कॉक रिसेंट के फॉर्म खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन सेलेक्शन परसेंट दोनों का सेम टू सेम है। हरिकेन्स का भी सेलेक्शन परसेंट 80 है, डिक कॉक को भी सेलेक्शन परसेंट 80 है। इन दोनों में से किसे लेना चाहिए, किसे ड्रॉप करना चाहिए और क्यों ड्रॉप करना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये भी बताएंगे। सबसे पहले ए एसिक भाई, इनका सेलेक्शन परसेंट कम है लेकिन ये विकेट कीपर है। टॉस होने के बाद ये डिसाइड कर लीजिएगा कि इनका कितने नंबर में बैटिंग ऑर्डर आता है। नेपाल का है ए कुमार शाह, खास प्रदर्शन नहीं दिया है, 17 पॉइंट दिया है, ठीक ठाक उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। ये चारों का चारों विकेट कीपर है, चारों का चारों विकेट कीपर में से खास किसी का अच्छा प्रदर्शन नहीं है। सेम टू कोई 5 मुकाबले में 2 मुकाबले में अच्छे परफॉर्म किया है, कोई 1 मुकाबले में अच्छे परफॉर्म किया है, कोई नहीं किया है। और इनमें से अगर हाई सेलेक्शन परसेंट वाले या लो सेलेक्शन परसेंट वाले अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं लूँगा। अब इन 4 विकेटकीपर में से हम किसी एक विकेटकीपर को मैं ट्राई कर सकता हूँ या 2 विकेटकीपर को कर सकता हूँ। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन सेक्शन में डेवी वर्नल अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, रिसेंट के मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। टी वेस्ट नीचे उतरता है फिर भी अच्छे खासे प्रदर्शन किया है, टर्न कार्ड यूनिक होगा। अब आर कुमार पॉडर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक ठाक 49 सेलेक्शन परसेंट है। अब यहाँ पर हरिकेन्स खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, फिलहाल के लिए हरिकेन्स ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। और इस मैच के दौरान बैट्समैन हमेशा फ्लॉप्स होते जा रहा है, फिर भी रिकॉर्ड की दृष्टि से इन तीनों बैट्समैन में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ओलंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देते हैं यहाँ पर कितने मैच हुआ है। यहाँ पर 6 मुकाबले हुए हैं, 6 मुकाबले में से बैटिंग फर्स्ट जो है वो 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले बैटिंग सेकंड जीते हैं, बैटिंग सेकंड जीते हैं जिसे आप लोग बॉलिंग कह सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 120 से 125 के आसपास बनेगा, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 110 से 130 के आसपास से 25 के आसपास बनता है। खास स्कोर तो नहीं बनता है लेकिन दोनों इनिंग में चेस्ट करना आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रेंजिंग एरिया, ये रिसन के मैच में अच्छे खासा कर रहा है। एडम मार्कर अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। एम जैक्सन अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, करण इस टीम का अगेंस्ट खास नहीं, 1 विकेट निकाला है, जो जहाँ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब इन 5 ऑलराउंडर का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, और 5 ऑलराउंडर में से किसी ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से। मैं गरेन लिख का थोड़ा रिक्सेबल टीम बनाता हूँ जिसके कारण मैं रिक्सी प्लेयर को ट्राई करूँगा और उस प्लेयर को रीजन भी बताऊँगा। मैं डेमो के लिए एक टीम क्रिएट कर दूँगा ताकि अगर वो टीम आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट बैलेंस पिच है, गुड पर स्पिनर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 149 है। वेन्यू ओरन बेल ग्राउंड, ओरियन बेल एस्टी वेंट में खेला जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ऑल अंडर सेक्शन में नेज मैं आप लोगों को बता दिया है, ग्राउंड जो है बैलेंस भी दर्शा रहा है। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में कागज रवाटा भी रिसेंट के फॉर्म में अच्छे चल रहा है। यहाँ पर अरुणजीत से ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। ए रोहन खास प्रदर्शन नहीं कर रहा, एक विकेट निकाला है। अगर संजीव लोचा खेलेगा तो रिसेंट के मैच अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। के महाराज अच्छा खासा है। ओडो स्मिथ अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर अगर टी शमी खेलेगा तो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर है। नेपाल जो है कमज़ोर है, खास उतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट नेपाल कमज़ोर है। इसलिए ये जो है सातों का बैट्समैन में से बॉलर में से मैं अपनी टीम में पिक करूंगा। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा तो किसे रखना चाहिए? यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा तो दोनों बैट्समैन को आप लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पर वार्नर को रख सकते हैं, टी वेस्ट को ले सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलराउंडर सिंह दिनचंद एकर मारकर को एम जॉक्सन को मैं अपनी टीम में रखा हूँ। अब बॉलर से कागज रवाटा एंड राजन अच्छा खासा रहेगा, केशव महाराज, उसके बाद और जमे, ये चार बॉलर रखने के बाद देखिए यहाँ पर अगर पहले बैटिंग करेगा तो तब रखिएगा। इसे रखने के बाद चारों बॉलर आप लोग का रिकॉर्ड अच्छे हैं, एडम मार्का एम जॉक्सन, इन्हें रखने के बाद देखिए अब मैं एक और 10-11 का कम्बिनेशन हो गया है, इसलिए मैं हरिकेन्स और डिकॉक में से किसी एक को लूँगा। डिकॉक को मैं अभी ड्रॉप कर बैलेंस पिच है तो स्कोर बन सकता है, उसके जगह मैं यहाँ पर इन पर एक कैप्टन को मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 9-2 का कम्बिनेशन आया है और बैट्समैन में मैं एक और डेवी वर्नर के जगह मैं किसी और बैट्समैन को ट्राई कर रहा हूँ। हरिकेन्स ओपनर आएगा या ओलंडर सेक्शन में मैं किसी और को ट्राई करूँगा। ओलंडर सेक्शन में सेम टू सेम है, बॉलर में भी सेम टू सेम है। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये जो मुकाबला है वो एक तरफा है, या तो साउथ अफ्रीका पूरे मुकाबला जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप लोग अभी रिसेंट के मैच के देखते अनुसार कैप्टनसी देखिए तो अरुण जिप्स रहेगा, वॉइस कैप्टन यहाँ पर केशव महाराज आया, वॉइस कैप्टन इसे अरुण जिप्स का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। अभी फिलहाल के लिए मैं कैप्टनसी जो है यहाँ पर कागज रवाडा को देता हूँ, और पिटाई होता है लेकिन वॉइस कैप्टन जो है कागज रवाडा केशव महाराज को मैं वॉइस कैप्टन देता हूँ। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। बैलेंस पिछाए मैंने फिर भी कैप्टन और वाइस कैप्टन रिक्स दिया है। आज का मेरा टीम का परव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और